अब NCR प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होगा रेरा कानून। उत्तर प्रदेश और हरियाणा का रेरा कानून NCR में जारी ज्यादातर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट अधिकारियों की माने तो UP और हरियाणा में चल रहे 90% तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस कानून से अछूते हैं। DDA की हाउसिंग स्कीम में बड़ी अप्लाई करने की तारीख। DDA की हाउसिंग स्कीम में कम प्रतिक्रिया की वजह से अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा सकता है। ड्रॉ की तिथि को लेकर DDA चिंतित है और कोई भी अधिकारी इस मामले पर बात करने को राजी नहीं है। यह हाउसिंग स्कीम 30 जून को लॉन्च हुई थी और इसमें अभी तक केवल 5,000 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। कंज्यूमर कोर्ट का आदेश, बिल्डर लौटाए ग्राहक के 5.44 लाख रुपए। कंज्यूमर कोर्ट ने एक रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया है कि वे 3 साल पहले घर खरीदार से लिए हुए 5.44 लाख रुपए तुरंत लौटाए। ग्राहक से पैसे वसूलने के बाद बिल्डर ना तो घर के कागजात दे सका और ना ही समय पर घर। मेरठ हाईकोर्ट ने अब ये फैसला लिया है कि बिल्डर अब 20,000 रुपए भी देगा ग्राहक को मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के लिए। महाराष्ट्र रेरा के अंदर हुए 1,500 नए रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र रेरा के अंदर 1,500 नए डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर कराए हैं और इसी के साथ अब तक महारेरा के अंदर कुल मिलाकर 4,622 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रेरा अधिकारियों के मुताबिक सोमवार रात तक 9,000 रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। अब करीबन 80% NCR प्रोजेक्ट्स का होगा रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन। रेरा के आने से पहले बिल्डर्स की मनमानी जोरों शोरों से चल रही थी, पर अब इस पर लगाम लगने वाली है। अपने मर्जी से काम कर रहे सभी बिल्डरों को अब नोएडा में बसे सभी प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसी के बाद फ्लैटों की संख्या में इजाफा करने, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने जैसी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के समय अब बिल्डर को प्रोजेक्ट्स की विस्तार से जानकारी देनी होगी। गोवा ने बढ़ाई रेरा रजिस्ट्रेशन की तारीख। एक बड़े फैसले में BJP सरकार ने रियल एस्टेट कानून रेरा के अंदर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख को अक्टूबर तक बढ़ा दी है। रेरा नियमों को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस बात की मंजूरी राज्य सरकार को नहीं दी है। रेरा नियमों के तहत सभी प्रोजेक्ट्स को 31 जुलाई तक रजिस्टर कराना अनिवार्य है।